35 साल या उससे कम आयु के अधिवक्ताओं के लिए 5,000 मासिक भत्ता देने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव अनिल दुबे के नेतृत्व में गुरुवार को मंडलायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया, जिसके संबंध में युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल दुबे ने बताया कि राज्य में अधिकांश युवा अधिवक्ता निर्धन एवं पिछड़े तबके से आते हैं तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस प्राप्त होने के पश्चात उन्हें लंबे समय तक अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इधर कोविड महामारी ने युवा अधिवक्ताओं के आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय कर दिया। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि 35 साल से कम आयु के अधिवक्ताओं को कम से कम 5,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल दुबे ने कहा, अधिवक्ताओं को भत्ता दो, अधिकारियों को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो, अधिवक्ताओं को भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो। अनिल दुबे, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस। आज हम लोग युवा वकीलों के लिए, युवा अधिवक्ताओं के लिए राज्य सरकार से ये मांग करने आए हैं कि उनको जिस तरीके से कोरोना महामारी एवं अन्य वजहों से जिस तरीके से युवाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, और जब एक छात्र अपनी पढ़ाई पूरा करके आता है वकालत करने के लिए तो उसको बहुत ही समस्याओं के साथ जूझना पड़ता है और उसको बहुत दिनों तक संघर्ष करना पड़ता है, वो पाई पाई के लिए मोहताज रहता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश में अन्य कई राज्य हैं जिन्होंने युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड माने मासिक भत्ता देने की योजना बनाई है, जो कि बहुत ही जनकल्याणकारी है और युवाओं को और अधिवक्ताओं को उससे काफ़ी मदद मिल रही है। इसी के तहत पे हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी युवा वकीलों को मासिक भत्ता देने का काम करे।